विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू निषेध के लिए किए गए सराहनीय कामों के लिए राजस्थान को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। नई दिल्ली में 31 मई को आयोजित होने वाले समारोह में यह पुरस्कार अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार ग्रहण करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलने वाले इस पुरस्कार को लेकर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने राज्य तंबाकू नियंत्रण इकाई के प्रभारी डॉक्टर SN धोलपुरिया और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी तथा कर्मचारियों को भी बधाई दी है और बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2019 के लिए विश्व की 33 संस्थाओं को पुरस्कार के लिए शामिल किया है, जिनमें राजस्थान एक है। साथ ही मंत्री ने बताया कि 30 जनवरी 2019 को सर्वोदय दिवस के अवसर पर प्रदेश में आयोजित विशाल तंबाकू मुक्ति अभियान में 1,13,98,000 युवाओं और आमजन ने तंबाकू उत्पाद और नशे का उपयोग नहीं करने की शपथ ली थी। साथ ही सर्वोदय दिवस पर तंबाकू मुक्ति अभियान में विद्यालयों, महाविद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, पुलिस थानों, राजकीय कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर व्यापक रूप से जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसका परिणाम यह है कि राजस्थान को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तंबाकू निषेध के क्षेत्र में काम करने वाली जो प्रमुख संस्थाएं हैं, उनमें से 33 संस्थाओं को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया गया है और मुझे खुशी है इस बात की कि उसमें भारतवर्ष से दो संस्थानों को चुना गया है, एक नई दिल्ली की संस्थान है और दूसरी राजस्थान सरकार है। हमारे प्रदेश में तंबाकू निषेध के क्षेत्र में बहुत उल्लेखनीय काम किया गया है और ये राजस्थान के लिए गौरव की बात है कि WHO ने राजस्थान को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है। और राजस्थान में जो काम टीम कर रही है हमारी, हमारे जो प्रभारी है धोलपुरिया जी और विभाग के तमाम कर्मचारी हैं, मैं उनको बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि तंबाकू आज विश्व की बहुत बड़ी समस्या बन गई है और नई जनरेशन विशेष तौर से इसकी गिरफ्त में आ रही है। तो जब तंबाकू निषेध के क्षेत्र में जितना ज्यादा प्रदेश के अंदर काम होगा, उतनी ही युवा पीढ़ी के जीवन को हम बचा पाएंगे। और ये काम राजस्थान में जिस मुस्तैदी के साथ हो रहा है, हमें इस बात पे गर्व है और उन तमाम कर्मचारियों को जो विभाग के हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूँ इस उपलब्धि के ऊपर और शुभकामनाएं भी।